हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न। तो बच्चों, वेलकम है आपका फिर से आपकी अपनी ही क्लास में, जिसमें हमने लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था मैटर के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था। फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा था। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर हमने देखा था कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली थ्री टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी बच्चों, है ना, उनमें क्या क्या डिफरेंस था, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं हमारे लास्ट लेक्चर में, जो मैटर का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन होता है ना, स्टेट जो है आपस में इंटर कन्वर्ट होती है, लाइक सॉलिड से लिक्विड, या लिक्विड से गैस, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस, या गैस से सॉलिड। तो वो सारा इंटर कन्वर्जन देखा था हमने किसमें, हमारे मैटर के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है या प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी इंटर कन्वर्जन में। हमने कुछ टर्म्स हमारे पास निकल के आई थी, लाइक मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। टेम्परेचर टाइम ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इवेपोरेशन बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी बच्चों हमारे कौन से सेशन में, जिसमें हमने मैटर पार्ट वन देखा था। ठीक है, तो वहाँ पर जितनी भी हमने बातें करी थी बच्चों, किससे किसकी की थी हमने, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन की, और फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मैटर को कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है बच्चों, वो है हमारे मैटर के सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर हम देखें कि मैटर को है केमिकली कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अरे बात समझ में, तो मैटर का क्लासिफिकेशन केमिकली कैसा होता है, ठीक है, और उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर आगे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फिर आगे जो सेपरेशन टेक्निक्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हमारे इस चैप्टर में हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा न्यू पार्ट ऑफ मैटर, दैट इज़ मैटर सेकेंड। और मैटर सेकेंड में सबसे पहले हमारे पास देखिए एक फ्लो चार्ट का क्लासिफिकेशन बता देता हूँ मैटर का, केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं, ताकि एक आपके दिमाग में फ्लो चार्ट रहेगा तो आगे आने वाले पॉइंट जो हैं इजीली क्लियर रहेंगे। देखिए, चलिए पहले इसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, आपके पास एक डायग्राम बना रखा है, जिसके अंदर हमने देखा कि मैटर जो है, मैटर को क्लासीफाई कर रखा है बच्चों। यहाँ पर देखो, मैटर है, अच्छा ब्लैक में, ठीक है, मैटर, मैटर को दो पार्ट में, ये केमिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो बच्चों मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और दो स्टेट और हमने जनरेट की थी, कौन सी थी, पढ़ी थी, प्लाज्मा स्टेट और बीईसी। ठीक है, तो मैटर को यहाँ पर दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस फर्स्ट कौन सा आपका, प्योर सब्सटेंस, एंड सेकेंड इज मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर हमें पता है कि मैटर जो है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। प्योर सब्सटेंस, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, कोई इंप्योरिटीज उनके अंदर नहीं होंगी, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चा, प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सुना है ना, केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है। ठीक है, तो एलिमेंट्स, उसमें पता है ना जितने भी वो अरेंज्ड हैं, वो सब क्या है, एबीसीडी नहीं है, वो क्या है, एलिमेंट्स हैं। जितने भी एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं वो किसमें है, पीरियोडिक टेबल में। और हमें ये पता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट जो हैं अरेंज्ड है, आरिबास में, जिसके अंदर उस पीरियोडिक अंदर के अंदर 7 तो पीरियड हैं, और बच्चों 18 क्या है, ग्रुप हैं। तो उन 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स क्या हैं, अरेंज्ड है, यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज्ड है। तो 118 एलिमेंट्स उसके अंदर अरेंज्ड है, तो पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर हम प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं किनकी, एलिमेंट्स की। क्लियर है? तो एलिमेंट्स बच्चों यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो एलिमेंट्स को भी हम तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स के अंदर कौन है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, एंड मेटेलॉइड। बात आ रही है समझ में,
प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटीज, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स भी आपके जो हैं इनकी स्टेट अलग अलग होती हैं, एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे और मेटलॉइड भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कंपाउंड की, तो कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड भी बच्चों हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तो बात हुई हमारे प्योर सब्सटेंस की। अब जो प्योर नहीं होगा, क्या वो मैटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने देखा कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम किस में कंसिडर करते हैं, मैटर में। जिनका कुछ ना कुछ मास हो, जिनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, जो स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई करे, वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। अब मिक्सचर के अंदर क्या है, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में मिक्स हैं, और मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं बच्चों। छोटी क्लासों में भी आपने ये नाम सुना होगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो जो पार्टिकल्स का कंपोजिशन होगा बच्चों वो कैसा होगा, थ्रू आउट द सेम होगा, यानी कंपोजिशन कैसा होगा, सिमिलर होगा। अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, जो कंपोजिशन होगा पार्टिकल्स का वो सेम नहीं हो। इन सब के बारे में डिटेल्स में है हमारे पास, उसको इसी की आज हम हमारी क्लास में स्टडी करने वाले, तो इतनी चीज़ें आज हमारी क्लास में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस में क्या लिखा हुआ बच्चों, अ होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल जो हैं सेम काइंड के होंगे। अ होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड, एक ही टाइप के होंगे, एंड हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डेफिनेट होंगी, फिक्स होंगी, यानी उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। लाइक अगर एग्जांपल बात करते हैं बच्चों आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Hg होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है ना, तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है बच्चों, Hg नहीं होगा, क्या होगा, Ag, सिल्वर का सिंबल याद रखिएगा, सिल्वर का सिंबल क्या होता है बच्चों, Ag, इसका लैटिन नेम अगर हम बात करें तो होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम की वजह से इसका सिंबल लिया जाता है बच्चों क्या, Ag। ऑक्सीजन का सिंबल तो सभी को पता है ना, ओ, सल्फर का S, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एटसेट्रा आर प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज ईच ऑफ देम हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इनमें क्या है, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। अब जैसे हमें बात करें किसकी, कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, जिनका अमाउंट जो है फिक्स्ड रेशियो में आपस में जो है मिक्स है। ऐसा नहीं कि कितना भी कार्बन कितनी भी ऑक्सीजन में है, कितना भी ऑक्सीजन कितनी भी कार्बन में मिक्स है, तो वो प्योर सब्सटेंस में काउंट नहीं होगा, ठीक है। H2O, ये भी एक तरह से कंपाउंड फॉर्म है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, है ना। जिनका कंपोजिशन फिक्स्ड होना, तो उन्हें भी किसमें कंसिडर किया जाता है बच्चों, प्योर सब्सटेंस में। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। अगर प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंस हमेशा कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। अ प्योर सब्सटेंस इज होमो, होमो का मतलब क्या होता है, होमो मीन्स सेम, है ना। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर जो अरेंजमेंट है, यानी ये नेचर में कैसा होगा, ये होमोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट अगर बात करें, अ प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी प्रॉपर्टीज ऑफ अदर सब्सटेंस। यानी किसी भी प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी कंपेयर टू अदर सब्सटेंस। अगर मैं बात करूँ, जैसे आपके पास आयरन है और आपके पास सिल्वर है, दोनों प्योर सब्सटेंस है, बट आयरन की प्रॉपर्टीज जो है अलग होगी कंपेयर टू सिल्वर। सिमिलरली सिल्वर की प्रॉपर्टीज जो है आयरन से क्या होगी, डिफरेंट होंगी, क्लियर। द कंपोजिशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी अल्टरेड बाय एनी फिजिकल मीन्स।
अब ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, कि प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है वो हम चेंज नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मींस। जैसे हमने बात करी, अगर मैटर का जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हमने देखा था, हमने स्टेट्स चेंज कर रहे थे हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या सॉलिड से गैस, या गैस से सॉलिड, ठीक है। अब वो जो अल्टरेशन था वो हम क्या कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज ही तो कर रहे थे, लाइक टेम्परेचर प्रेशर की बात करें, उनको अल्टरेट करके, उनको चेंज कर रहे करके क्या कर रहे थे हम, उनकी स्टेट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर रहे थे। बट प्योर सब्सटेंस के केस में क्या होगा बच्चों, केमिकल प्रोसेसेस से हम उनको अल्टरेट नहीं कर सकते, उनकी जो है उनको आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनके लिए हमें केमिकल प्रोसेसेस का यूज़ करना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी, कि वहाँ पर फिजिकल मीन्स की जगह हम बोलेंगे केमिकल मीन्स से हम क्या कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को अल्टरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो डायग्राम मैंने आपको समझा दिया कि मैटर जो है उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास आ गया बच्चों। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटीज़, ठीक है, कि इम्प्योरिटीज़ उसमें नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में, हमारे पास जो एलिमेंट है उसके बारे में। एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन है बच्चों, अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है बच्चों, कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। अब चाहे उसमें आप फिजिकल मेथड लगा दो या फिर केमिकल मेथड लगा दो, आप उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टीज जैसी हैं वैसी रहेंगी। लाइक मैं बात करूं बच्चों किसकी, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, एलिमेंट्स ही तो हैं, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनको हम सब सब डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से, क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल्स इसमें दे रखा है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, एग्जांपल देखिए बच्चों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, जिंक का Zn, टिन का सिंबल होता है बच्चों Sn, लेड का होता है Pb, मरकरी का होता है बच्चों सिंबल Hg, एटसेट्रा। आर ऑल एलिमेंट्स एज दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इंटू सिंपल पार्ट्स ऑफ एनी फिजिकल केमिकल मीन्स, फिजिकल और केमिकल मीन्स, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स के अंदर भी आपकी क्या है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटेलॉइड्स हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। अब एलिमेंट्स तो हैं हमारे पास, उनके अंदर मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, और उनकी स्टेट्स भी हैं, है ना। मेटल्स होंगे, उनके अंदर भी आपकी क्या है, सॉलिड है, और एक्सेप्शन के केस में लिक्विड केस, लिक्विड भी होगा, लिक्विड फॉर्म में भी आपकी मेटल होगी, है ना। जानते हो लिक्विड फॉर्म में मेटल कौन सी होती है, यस दैट इज मरकरी, पता है ना। तो यहाँ पर जो है फिजिकल स्टेट की बात करें बच्चों, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए, इट हैज़ फाउंड दैट टू एलिमेंट्स एक्सिस्ट एज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर दो एलिमेंट ऐसी हैं जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं बच्चों। पहली तो है आपकी मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, और ये क्या है, मेटल है तो मेटल, बट एक्सेप्शन है, ये है तो मेटल मरकरी, बट स्टेट ऑफ मरकरी इज लिक्विड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आपका ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है बच्चों ये नॉन मेटल है। ब्रोमाइन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल है तो या तो इसकी स्टेट गैसेस होनी चाहिए थी, या मतलब गैसेस स्टेट में होना चाहिए था जनरली, तो लेकिन ये होता किस स्टेट में, याद रखिएगा, ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट पे है वो तो ब्रोमाइन, और ऐसी मेटल जो लिक्विड स्टेट पर है वो क्या है आपकी मरकरी। तो लिखा हुआ है द टू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, दे आर मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg, एंड ब्रोमाइन, ब्रोमाइन का सिंबल Br, ठीक है। 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस, तो याद रखिएगा बच्चों 11 एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, 11 एलिमेंट्स ऐसी हैं जो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में हैं बच्चों, गैसेस, यानी रूम टेम्परेचर पर उनकी स्टेट कैसी है, गैसेस स्टेट में है।
और जनरल आप लोग देखते हो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन, ये सब क्या हैं आपकी गैसेस हैं। इनके अंदर कुछ स्पेशल गैसेस भी आ रही हैं, कौन सी है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं बच्चों, जो स्टेबल होती हैं। स्टेबल मींस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। रिएक्ट क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उनके अंदर ऑक्टेट और डुप्लेट जो है कंप्लीट। अभी ये ऑक्टेट और सर डुप्लेट क्या होता है, इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने क्लियर बताया है, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या होते हैं उस में देखिएगा उस लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दें, ऑक्टेट और डुप्लेट का मतलब ये होता है उसकी स्टेबिलिटी है, या ना तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो किसी के साथ कंबाइन भी नहीं होते हैं। तो इनमें नोबल गैसेस भी हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, 11 एलिमेंट जो हैं गैसेस स्टेट में हैं, वो कौन सी है आपकी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो ये 11 जो एलिमेंट्स है बच्चों किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में है। इनके सिंबल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखो, नोबल गैसेस की बात करें तो हीलियम नोबल गैस है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, ये सब इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस या रेयर गैसेस। क्लियर है। तो 11 एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेस एट रूम टेम्परेचर, दे आर हाइड्रोजन। चलिए ये हो गया हमारा। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बाकी जो है रूम टेम्परेचर पे कैसे होंगी, सॉलिड होंगी। 11 एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, देयर आर 22 नॉन मेटल्स। और पीरियोडिक टेबल में बच्चों कितनी नॉन मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं एंड द रेस्ट आर मेटल्स। तो बच्चों 11 तो हमारे पास क्या हैं, गैसेस हैं एलिमेंट्स में से, 22 क्या हैं हमारे पास, नॉन मेटल्स हैं। 22 क्या हैं हमारे पास, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। बाकी जो हैं वो हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स हैं, और इसमें मेटल्स हैं, मेटल्स के अलावा मेटलॉइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब उन 22 नॉन मेटल्स में कौन कौन किस स्टेट में है, देखिए, अमंग द मेटल ओनली मरकरी इज लिक्विड। अगर मेटल्स की बात करें तो मरकरी किस स्टेट में बच्चों, लिक्विड स्टेट में। ऑल अदर मेटल्स आर सॉलिड्स, ठीक है। अब 22 नॉन मेटल्स में से देखिए बच्चों, 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स। 10 नॉन मेटल तो किस स्टेट में है, मैंने बताया ना आपको कि भाई मेटल है नॉन मेटल, लेकिन फिजिकल स्टेट की अगर उनकी बात हम करें तो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस इस स्टेट में भी है। तो 10 नॉन मेटल्स तो किस स्टेट में बच्चों, सॉलिड स्टेट में। अब वो कौन कौन सी है, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ये सारी 10 जो नॉन मेटल्स हैं बच्चों, इनकी स्टेट कैसी है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। एक नॉन मेटल अभी मैंने आपको बताया था ब्रोमाइन, जो किस स्टेट में होगी बच्चों, लिक्विड स्टेट में होंगी। एंड 5 नॉन मेटल्स आपकी लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर केमिकली एक्टिव गैसेस हैं। ये कैसे हैं, एक्टिव गैसेस, और बाकी जो अभी बताई थी गैसेस वो कैसी होगी, इनएक्टिव। तो 6 नॉन मेटल्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन आर केमिकली इनएक्टिव गैसेस। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज और रेयर गैसेज। क्लियर है। तो 22 नॉन मेटल्स में बच्चों आपके 10 जो नॉन मेटल्स हैं वो तो सॉलिड स्टेट में हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। 1 नॉन मेटल जो है वो आपकी कैसे स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। एंड अगर हम बात करें नॉन गैसेस स्टेट में, तो 5 गैसेस ऐसी हैं जो बच्चों गैसेस स्टेट में हैं, क्लियर है। इसके अलावा आपकी 6 नॉन मेटल्स ऐसी हैं, वो 5 जो हैं वो गैसेस स्टेट में हैं, बट वो कैसी हैं, एक्टिव हैं, एक्टिव गैसेस हैं, ठीक है, वो रिएक्शन कर लेती हैं। और 6 नॉन मेटल्स ऐसी हैं आपकी जो कैसी हैं, इनएक्टिव गैसेज है, वो रिएक्शन नहीं करेंगी, ठीक है।
बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं 22 नॉन मेटल्स हैं, बाकी जो हैं आपकी मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइक मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। अरे बात समझ में? मेटलॉइड्स ऐसी एलिमेंट्स होती हैं जो क्या करती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करती हैं। देखिए क्या होता है, देयर आर अ फ्यू एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, दे लुक लाइक मेटल्स बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स, यानी वो हमें दिखती तो कैसी हैं, मेटल्स की तरह, बट वो क्या होती हैं, ब्रिटल होती हैं लाइक नॉन मेटल्स। दे आर नाइदर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स और नॉर इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल्स। यानी अगर हम फिजिकली अगर उसको हम नॉर्मली देखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगी, लेकिन अगर क्या करें हम अगर उसका टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दें तो वो मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करेगी, और अगर हम टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज करेंगे तो मेटल की तरह रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, दे आर सेमी कंडक्टर्स। ये क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स कैसी होती है बच्चों? सेमी कंडक्टर्स होती हैं द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन एक और निकल के आ गई, द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। यानी जो ऐसे एलिमेंट जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की शो करती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की शो करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है। देयर द प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो जनरल सी बात है बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं किसके बीच में होगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। मेटलॉइड्स आर ऑल्सो समटाइम कॉल्ड सेमी मेटल्स। याद रखिएगा बच्चों, इनको सेमी मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, अब हमें मेन याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेटलॉइड्स कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी है बच्चों? एक तो हो गया आपका बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एट हमारे पास क्या है बच्चों, मेटेलॉइड्स हैं। याद रखना है पीरियोडिक टेबल में बच्चों, कभी भी आप पीरियोडिक टेबल देखो ना तो वहां पर देखना ऐसी जिगजैग लाइन बना रखी होगी। देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल का कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, कुछ इस टाइप की होती है। यहां पर आपके क्या होता है, ये तो होता है एस ब्लॉक। ये कौन सा होता ब्लॉक होता है बच्चों? डी ब्लॉक। और ये होता है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, यहां पर एक दो रोज और ऐसी होती है। ये कौन क्या है आपका? एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। ठीक है, तो यहां पर पी ब्लॉक के अंदर देखना, यहां पर कुछ इस टाइप की जो है डार्क डार्क लाइन बना रखी होगी पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो यहीं पर आता है आपका कौन, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो है मेटलॉइड्स अरेंज होती है, और मेटलॉइड्स के इधर जो है बच्चों सारी क्या है आपकी नॉन मेटल्स, और इधर जाएं तो हमारे पास क्या है, मेटल्स। बात आ रही है समझ में? तो मोस्टली जो है कौन है, अब इनमें कौन बीच बीच में एक्सेप्शन भी है, तो ये एक बेसिक आइडिया दिमाग में रखिए कि भाई मेटलॉइड्स का अरेंजमेंट कहाँ होगा। ठीक है, ठीक है, और कौन कौन सी है हमारे पास मेटलॉइड? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन। नोट लगा के एक बात लिखी है बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। ये याद रखना है बच्चों के पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉर्मल एलिमेंट्स एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब देखिए बच्चों, एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स की, तो इनके अंदर जो अब स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट इसी के अंदर आ रही है ना, इंक्लूड हो रही है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं आपके कैसे हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और कुछ क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मीन्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। देखिए
द एलिमेंट्स विच डू नॉट गिव आउट हार्मफुल रेडिएशंस आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स. और नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होंगे? जिनकी हार्मफुल रेडिएशंस नहीं देंगे. और जो एलिमेंट्स हार्मफुल रेडिएशंस देते हैं वो कौन से हैं आपके? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. देखिए एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर, अब कौन से हैं? देखिए फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 82 तक के एलिमेंट्स तो हैं हमारे पास क्या? नॉर्मल एलिमेंट्स. एंड द एलिमेंट्स विच गिव आउट हार्मफुल रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. और पीरियोडिक टेबल में बच्चों एटॉमिक नंबर 83 से कहाँ तक? 112 तक. ये याद रखना है बच्चों, 83 से 112 तक के एलिमेंट्स तो हैं रेडियो एक्टिव. इसके अलावा 114 एलिमेंट, 116, 118 ये भी क्या हैं आपके? रेडियो एक्टिव इन नेचर. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे बच्चों? जो हमें क्या देंगे? हार्मफुल रेडिएशंस देंगे. वो क्या होंगे आपके? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. यहाँ तक की बात समझ में आई? तो एलिमेंट्स को हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में मैक्सिमम हमारे पास मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स 22 हैं. उनमें से भी किस किस स्टेट में है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट आर मेटलॉइड्स. और मेटलॉइड्स कौन कौन सी आपके लिखा हुआ है सामने, ठीक है, ये याद रखना है आपको. और लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है आपका? हाइड्रोजन. इसके अलावा हम एलिमेंट्स को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होंगे बच्चों? जो हार्मफुल इफेक्ट नहीं देंगे. और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो हार्मफुल इफेक्ट देंगे. और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पीरियोडिक टेबल में 83 से 112, 114, 116 एंड 118 एलिमेंट्स, 118 जिसका एटॉमिक नंबर है, वो एलिमेंट्स आपकी कैसी हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. क्लियर है? आगे देखिए. नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं किसकी? कंपाउंड की. तो हमने देखा था कि हमारा जो क्लासिफिकेशन चल रहा है प्योर सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो एलिमेंट्स को दो टाइप से डिवाइड कर रहे हैं. प्योर सब्सटेंस को दो टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो एलिमेंट के बारे में हमने सारा देख लिया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन किसका? कंपाउंड या कंपाउंड्स क्या होते हैं. उनके कंपाउंड्स भी दो टाइप के हमने देखे थे अभी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो बच्चों देखो कंपाउंड होता क्या है, तो क्या ये प्योर सब्सटेंस ही है? अ प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास सच दैट इट कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल मींस इज कॉल्ड कंपाउंड. अब कंपाउंड के अंदर क्या होगा? दो एलिमेंट्स आपस में मिक्स होंगे, आपस में ऐड होंगे, बट उनका जो कंपोजिशन है बच्चों, केमिकली कंपोजिशन जो है वो एक फिक्स्ड रेशियो में होगा, फिक्स्ड रेशियो बाय मास में होगा, तब क्या बनेगा आपका? कंपाउंड. जैसे एग्जांपल समझिए आप, मैंने आपको बोला बच्चों H2O क्या है? एक कंपाउंड है ना. H2O क्या है? एक कंपाउंड है. अब इन दोनों का जो फिक्स्ड मास कितना है, तो मास कितना होता है बच्चों? 1:8 बाय मास. 1:8 बाय मास का मतलब 1 किसका रेशियो शो कर रहा है? हाइड्रोजन का. 8 किसका रेशियो शो कर रहा है बच्चों? ऑक्सीजन का. अब सर ये कैसे निकल के आया? तो ये ऐसे निकल के आया बच्चों, देखो 2 को मल्टीप्लाई किया हमने हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1. इसका रेशियो निकाला किसके साथ? ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से. ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चा? 16. तो यहाँ कितना हुआ? 2:16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना आया? 1:8. तो यहाँ पर देखिए जरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन एक फिक्स अमाउंट में है ना, फिक्स कंपोजिशन है, तभी क्या बन रहा है? H2O. तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का जो कंपोजिशन है बच्चों, वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन है. अब वाटर चाहे आप घर का पानी ले लो, ग्लास में से पानी लेके आ जाओ, मतलब एक ग्लास पानी ले लो, या समुद्र से या नदी से, कहीं से भी पानी, उसका सोर्स कोई सा भी हो, लेकिन वाटर का कंपोजिशन कैसा होगा आपका? फिक्स होगा. सिमिलरली और कंपोजिशन का देख लें, लाइक CO2 की अगर बात मैं करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी इनका कंपोजिशन फिक्स है. कैसे है? यहाँ पर देखिए, कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12. वेरी गुड. और ऑक्सीजन का अभी हमने देखा, एक ऑक्सीजन का 16 है बच्चों, दो ऑक्सीजन का कितना होगा? 32.
4 3 जा 12, 4 8 जा 32, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर 3:8 बाय मास किसका कंपोजिशन हो गया बच्चा, ये CO2 का। बात समझ में आ रही है? तो यही होते हैं हमारे कंपाउंड्स, होते तो प्योर सब्सटेंस है विच इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास सच दैट इट कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल मीन्स। अब हम चाहते हैं कि इसको हमें तोड़ना है सर, वापस इसको ब्रोकन आउट करना है, तो इसके लिए आप केमिकल प्रोसेस लगाइए। केमिकल प्रोसेस लगाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब सर कैसे लगाएं केमिकल प्रोसेस? देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करने का बता रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास क्या है, H2O, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, टेस्ट ट्यूब जो इन्वर्टेड करके यानी उल्टी करके टेस्ट ट्यूब लगा दी मैंने, ठीक है। दो टेस्ट ट्यूब यहाँ लगा दी, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने इलेक्ट्रोड से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करवा रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन, अब याद रखिएगा H2O वाटर का अगर हम क्या करवाएं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए। क्या करवाया बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा के अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको उसके एलिमेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा के अगर उसके एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, या इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करवा के अगर हम उसके एलिमेंट्स को ब्रेक कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो वाटर को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो बच्चों H2 और O2 में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कैसा प्रोसेस है बच्चा, ये प्रोसेस है आपका कैसा, कैसा प्रोसेस है ये आपका, केमिकल प्रोसेस। यानी हम केमिकल मीन्स से इसको सेपरेट, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हम करवाएंगे तो ये वाटर क्या होगा, धीरे 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 बॉयल होगा, इसकी गैसेस बनेगी। तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे, अब ये क्या है, बिल्कुल एकदम पैक्ड है ना, ऐसा पैकिंग होनी चाहिए कि बाहर से जो है मतलब गैसेज जो है बाहर ना निकले। तो जैसे जैसे बॉयल होगा तो एक टेस्ट ट्यूब में तो बच्चा आपके कौन इकट्ठी होगी, एक टेस्ट ट्यूब में तो आपके H2 और एक में आपकी होगी O2। आ रही है बस? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से H2O को जो है H2 को ब्रेक कर सकते हैं H2 और O2 में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपके, ये हो गया आपका द टू और मोर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड। यानी दो या दो से ज्यादा जो आपके एलिमेंट्स ऐड हैं किसी कंपाउंड में उसको क्या कहा जाता है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कह दीजिए या फिर आप उसके कंपोनेंट्स कह दीजिए। लाइक मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर के कंपोनेंट क्या हो गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपोनेंट्स क्या हो गए बच्चों, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन अ रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास बोल दीजिए या बाय वेट बोल दीजिए, दोनों चीज सेम है आपकी। वाटर कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट ओनली बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड कौन सा हो गया बच्चों आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, दैट इज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर को H2O को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस से नहीं होगा, फिजिकल मेथड से नहीं होगा, केमिकल प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, वाटर के कंपोनेंट्स को उसके एलिमेंट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की। तो अभी मैंने बताया था हम कंपाउंड्स को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, आपका कौन सा, इनऑर्गेनिक। तो सीधी सी बात है, इनऑर्गेनिक वर्ड जहाँ पर भी आता है तो हमारे माइंड में सीधी सी बात क्लिक करती है इस फटाफट के, जो चीज़ें हमें नॉन लिविंग सोर्सेस से मिलती हैं, जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेस से मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनऑर्गेनिक, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही कंपाउंड जो हमें क्या मिल रहा है नॉन लिविंग सोर्सेज से जो हमें मिल रहे हैं वो कौन से होंगे आपके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड्स हैव बीन मोस्टली ऑब्टेंड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज, अब देखो नॉन लिविंग सोर्सेज कौन से हैं, रॉक्स मिनरल्स, रॉक्स और मिनरल्स से जो हमें मिल रहे हैं वो कौन से होंगे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल याद रखने हैं आपको, जैसे हम बात करें बच्चों कॉमन सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
NaCl, मार्बल, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स से बच्चों जो हमसे हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नॉन लिविंग सोर्सेस से, ठीक है। और लिविंग सोर्सेस से कौन कौन से होंगे बच्चों, देखिए, तो लिविंग से हमें जो मिल रहे हैं किससे, प्लांट्स, एनिमल्स से अगर हमें जो मिल रहे हैं वो कौन से होंगे आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग बींग्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे आपके उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन उनका एसेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुना होगा ना, बिल्कुल सुना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके अंदर देखिएगा कार्बन तो प्रेजेंट है ही सही, तो कार्बन प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, वो कैसे कंपाउंड है आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हम करते हैं किसमें, केमिस्ट्री की ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इज इट क्लियर। देखिए आगे, देयरफॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्वाइट ऑफन नोन एज कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। अब अगर बात करें इनके एग्जाम्पल की तो बच्चों मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला होता है बच्चा CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब क्या है, कुकिंग गैस के कंपोनेंट हैं। तो ये इन सब में भी क्या प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री, ठीक है। एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, सुगर, प्रोटीन, ऑयल, फैट्स, ये सब क्या है बच्चों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बच्चों अगर बात करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बेसिस पे बात करें तो बच्चों कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस में, एसिड्स में, बेस में एंड सॉल्ट में। तो कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोनियम आयन, अब बच्चों हाइड्रोनियम आयन एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हम बोले यहां पर जो है यहां बच्चों किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, कंपाउंड्स का। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम बात करें एसिड्स की, तो एसिड्स क्या होंगे बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयंस देंगे हमें, एच प्लस आयंस देंगे, एच प्लस आयंस बोल दो या फिर क्या कौन से आयंस बोल दो, हाइड्रोनियम आयंस बोल दो, तो हाइड्रोनियम आयंस बोल देंगे अगर, तो वो कंपाउंड आपके कौन से होंगे, एसिड्स। लाइक अगर मैं बात करूँ बच्चा HCl की, किसकी बात करते हैं, HCl, HCl को आप वाटर के साथ ऐड करते हैं, तो वाटर के साथ ऐड करेंगे तो देखो यहां से क्या ये देगा, H प्लस और Cl माइनस, और ये H प्लस H2O के साथ ऐड होगा तो क्या बनाएगा, H3O प्लस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन, क्या बोल रहे हैं बच्चा, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। तो HCl H प्लस आयन दे रहा है, H प्लस आयन H2 के साथ ऐड होके क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका, एसिड है, इज इट क्लियर। अब एसिड भी बहुत टाइप के होते हैं, वीक एसिड्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं, वो एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। तो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों सॉल्यूशन ऑफ वाटर, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या दें हमें, हाइड्रोनियम आयन दे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएंगे, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, एसिड्स। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब कौन कौन सा एसिड, तो एसिड्स का याद रखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम क्या लिखते हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉर्मिक एसिड, अब ये फॉर्मिक एसिड यहाँ पर जो है फॉर्मिक एसिड का ग्रुप होता है बच्चों COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा होता है, उसके साथ एक हाइड्रोजन होता है, वो क्या है आपका, फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली बच्चों बेसिस की अगर बात करें तो बेसिस क्या, कौन से कंपाउंड होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन्स देंगे हमें, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन्स मीन्स OH- आयन, कौन से आयन देंगे,
OH माइनस आयन, लाइक अगर मैं बात करूँ बच्चा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, AQ, AQ मतलब वाटर के अंदर जैसे ही हमने मिलाया तो ये ब्रेक हो जाएगा किस में, Na प्लस में और OH माइनस में, तो OH माइनस यहाँ पर हमें ये दे रहा है, ये किस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या दे रहा है हमें, OH माइनस आयन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये क्या है आपका NaOH, क्या है बच्चा बेस, क्या है ये बेस। सिमिलरली KOH देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा आपका कौन सा, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी आपका एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा बच्चा K प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, तो ये किसको शो कर रहा है कि KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सब क्या है आपके बेस है। इज इट क्लियर। आगे देखिए सॉल्ट्स क्या होंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, सॉल्ट, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नेचर कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, कैसा होता है बच्चा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनेगा, इसी के साथ जो है एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी जो है आउट होगी, एनर्जी अगर निकलेगी तो बच्चों प्रोसेस कैसा होगा आपका एक्सोथर्मिक, तो देखिए एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बच्चा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी भी यहाँ से रिलीज हो रही है, और जिन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है बच्चों उसको कहा जाता है, वो रिएक्शंस कैसी होती है आपकी एक्सोथर्मिक, कैसी होती हैं बच्चों आपकी एक्सोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है ना, एनर्जी हम दे, अब एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, तो एनर्जी अगर हम दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों एज अ प्रोडक्ट तो उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइजेशन जो है एक तरह का क्या है आपका, जिसमें सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है वो एक टाइप से एक्सोथर्मिक ही है, ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है बच्चों इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो हो गया वो आपका क्या है सॉल्ट है, जिंक सल्फेट ये भी क्या है आपका सॉल्ट है, क्लियर है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देगा हमने किसका, कंपाउंड्स का। नेक्स्ट हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं बच्चों, प्योर मैटर का क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस चल रहा था, मिक्सचर की अगर बात करते हैं तो बच्चों अब यहाँ पर मिक्सचर जब बनेगा तो उनका कंपोजिशन, जैसे उनके अंदर मिक्सचर के अंदर क्या होंगे, चीज़ें आपस में मिक्स होंगी, लेकिन कितने में भी कितने मिक्स हो जाएगा, समझ रहे हो इस चीज़ को, कि मिक्सचर जो है उसके अंदर मिक्सचर बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन मिक्सचर को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो होमोजीनियस मतलब जिसमें कंपोजिशन सेम होगा, हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें कंपोजिशन डिफरेंट होगा, जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल ले लें, अगर मैंने आपको बोला पानी के अंदर आप सॉल्ट मिक्स कर दो, शुगर मिक्स कर दो, अच्छे से उसको डिजोल्व कर लो, तो सॉल्ट हो गया शुगर हो गया वो क्या अच्छे से उसमें डिजोल्व हो जाएंगे, तो वो जो मिक्सचर बनेगा आपका वो कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपसे बोला वाटर है, वाटर के अंदर आप सैंड पार्टिकल्स मिक्स कर दो, मड मिट्टी वगैरह उसमें मड डाल दो, ठीक है, तो वो जो मिक्सचर बन रहा है वो क्या होमोजीनियस होगा, मिक्सचर तो है बट दिस इज द टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर है। तो देखिए मिक्सचर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस बट कंटेन मोर देन वन सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड मिक्सचर, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, अब वो सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, आर मिक्स टूगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, अब यहाँ पर एक चीज़ लिख के आई इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में आप डाल दी, जबकि कंपाउंड्स में क्या था, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स थे,
यहाँ पर किसी भी प्रोपोर्शन में अगर ये मिक्स हो रहे हैं तो क्या बनेगा, मिक्सचर सच दैट दे डो नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज इनमें नहीं होगा, बट रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मैंने आपको बताया, होमोजीनियस क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिक्सचर विच डिफरेंट कंपोनेंट आर मिक्सड यूनिफॉर्मली, जिनके कंपोनेंट जो हैं एक यूनिफॉर्मली तरीके से मिक्स होंगे उस मिक्सचर को क्या कहा जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों यहाँ पर, देखिए कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, सुगर, इन सब का सॉल्यूशन वाटर के अंदर आप इनको ऐड कर दीजिए, ये प्रॉपरली डिजोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा आपका, होमोजीनियस मिक्सचर। सिमिलरली ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें एलोइज की, एलोइज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जब दो या दो तीन मेटल्स को आपस में मिक्स कर दें तो क्या बनाता है एलोइज, तो एलोइज भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर ही है। वहाँ पर जो कंपोजिशन होता है मेटल्स का वो कैसा हो जाता है बच्चों, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अरे बात समझ में, गैसेस की अगर बात करें तो गैसेस भी कैसा है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है गैसेस का, यानी गैसेस आपस में बहुत सारी जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह ये आपस में मिक्स हैं, है ना, तो आपस में मिक्स है, इसी वजह से तो हमें एयर का कंपोजिशन सिमिलर लगता है, तो एयर का कंपोजिशन सिमिलर, बट है किस टाइप का मिक्सचर, वो होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो एलॉयज सच एज ब्रास, ब्रॉन्ज एटसेट्रा आर होमोजीनियस सॉलिड का सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स एंड एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस जस्ट इसका अपोजिट, अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंपोनेंट आर नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए सैंड एंड सॉल्ट आपस में मिक्स कर दिया तो कैसा हो रहा है, हेट्रोजीनियस। आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर, ये भी हेट्रोजीनियस, सॉइल एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, तो मिक्सचर और कंपाउंड का अगर डिफरेंस इम्पोर्टेंट है बच्चों, याद रखना है आपको, ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर नेचर की बात करें बच्चों तो कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, जो एलिमेंट्स मिक्स होंगे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे, इट्स मीन इन अ कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट यूनाइट केमिकली, इन अ मिक्सचर टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड सच दैट दे डू नॉट कंबाइन केमिकली। इनमें तो केमिकली कंबाइन होता है और केमिकल प्रोसेस से ही हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों कंपाउंड्स का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, जबकि मिक्सचर्स का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। कंपोजिशन की बात करें तो ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास या बाय वॉल्यूम आपस में जुड़ते हैं, इनमें कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगा, इनका कंपोजिशन कैसा होगा, वेरिएबल। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनके अंदर क्या है बच्चों, जो कंपाउंड बन रहा है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे मैं बात करूं H2O की, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये बर्निंग में हेल्प करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, डिफरेंट है, जबकि वाटर जो है ये बर्निंग को बुझाता है, मतलब आग को बुझा, ये आग लगाने का काम करते हैं, ये आग बुझाने का काम कर रहा है, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना। आगे देखिए, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, तो इनके कंपोनेंट को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस यूज़ करने पड़ेंगे। और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूंट्स की बात करें तो मिक्सचर के कंपोनेंट को हम फिजिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी चेंजेस की अगर बात करें तो जब भी आपके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है, इट्स मीन या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है, बट इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर एनर्जी चेंजेस मे और मे नॉट टेक प्लेस, तो एनर्जी चेंजेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों, तो इतनी बातें आप लोगों को मैटर का क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन हमने देखा मैटर का, जिसमें हमने किस बेसिस पे, एक तो आपका प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने,
प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट कंपाउंड उनकी प्रॉपर स्टडी की है, ठीक है, कंपाउंड्स क्या होते हैं उनको प्रॉपर वे से बताया है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर उनको हमने मैंने बताया। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसी के आगे जो आने वाले पार्ट्स की, जिसमें हम बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक की जितने भी चीज़ें हैं, कोई पार्ट छूट गया है तो इसको वापस रिमाइंड कीजिए, वापस देखिए, वापस प्रैक्टिस करिए और माइंड में एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। बाकी बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।